आजकल बहुत बड़ी समस्या कि गाय भैंस गर्म पे नहीं आती हैं, अर्थात हीट नहीं होती हैं, और हीट नहीं होंगी तो प्रजनन क्षमता नहीं बढ़ेगा, और प्रजनन क्षमता नहीं बढ़ेगा तो गाय भैंस पालना बेकार हो जाएगा। गाय भैंस पालना बेकार हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत से दवा का प्रयोग करते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, ए टू जेड बहुत, लेकिन फायदा नहीं मिलता है। तो इसके लिए एक आयुर्वेदिक कंपनी एक दवा बनाई है, कैप्सूल बनाई है तो बड़ा जानवर लेकिन छोटा छोटा कैप्सूल बनाई है, जिसका नाम प्रजना। वो बहुत अच्छा काम करता है, वो काम कैसे करता है और उसका रिएक्शन क्या है, कैसे खिलाया जाता है, ये तो हम बताएंगे ही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे आने वाले समय में और भी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहें। तो चलिए चलते हैं, प्रजना क्या है और इसको कब देते हैं। प्रजना एक कैप्सूल है जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटी द्वारा बनाया गया है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी द्वारा बनाया गया है, जहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान रहे, इसको दुधारू पशु कभी नहीं देते हैं, यानी जो दूध दे रही हूँ गर्म नहीं हो रही हूँ उसको नहीं देते हैं, या तो हीपर, हीपर का मतलब जो बाछिया है पड़िया उसको, या गाय भैंस में उनको देते हैं जिनका दूध एकदम बंद हो गया हो, क्योंकि अगर इसको दुधारू पशु खिलाएंगे तो हो सकता है दूध देना बंद कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रजना कैप्सूल, अभी इसको गाय भैंस भेड़ बकरी सबको गर्म करने के लिए दिया जाता है। और इसको खिलाने का तरीका, तीन तीन टेबलेट, तीन तीन कैप्सूल 3 दिन गाय भैंस को, और दो दो कैप्सूल 3 दिन बकरी हो या भेड़ हो। तत्पश्चात हम इंतजार करते हैं 10 दिन का कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर गर्म नहीं हुआ तो फिर 11वें दिन से 3 दिन ही प्रक्रिया और करेंगे। इतने